हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग करेंगे एस सी वर्मा का प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी पढ़े थे। हम लोग क्वेश्चन करना है, एस सी वर्मा में 31 तक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 32 से लेके 45 तक है प्रोजेक्टाइल मोशन। 32 से लेके 45 तक है प्रोजेक्टाइल मोशन और फिर 45 से लेके मैंने 46 से लेके 52 तक 7 सवाल है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर एबव द ग्राउंड। मान लेते ही ये 100 मीटर है, 100 मीटर ऊंचाई का एक बिल्डिंग है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और इसके हाथ में क्या एक बॉल है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का क्वेश्चन है। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर एबव द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये हॉरिजॉन्टली फेंकता है, ये बॉल को क्या करता है, हॉरिजॉन्टली फेंकता है। कितना स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बॉल कुछ ऐसे आएगा, ये बॉल कुछ ऐसे आएगा। कहता है फाइंड टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। सबसे पहले कह रहा है टाइम, कितना टाइम लगा इस बॉल को, मैंने यहाँ से ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगा। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फार्मूला आता है रूट ओवर 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है रूट ओवर 2h/g। 2h कितना है? 100, 100 मीटर है। जी कितना है? 10। तो टाइम इक्वल टू क्या हुआ? रूट ओवर 20, रूट ओवर 20 सेकेंड। और बाकी रूट ओवर 20 सेकेंड है, ठीक है ना। तो रूट ओवर 20 सेकेंड को आप सॉल्व कर सकते हैं। रूट ओवर 20 को दे रहा है 4.5 सेकेंड। 4.5 सेकेंड देख लेते हैं। रूट ओवर 20, रूट ओवर 20 का मतलब 4.47 आया। 4.47, तो 4.47 सेकेंड तो नहीं कह सकते हैं, 4.5 ही अप्रॉक्स इतना। तो इस बॉल को यहाँ पर आने में समय लग गया 4.5 सेकेंड। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन इसी में है, 32 नंबर में। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। मैंने ग्राउंड पर रीच किया, रीच करने से पहले हॉरिजॉन्टल कितना चला ये बॉल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, मतलब एक्स में कितना चला ये बॉल, एक्स में कितना चला ये निकालना है, ये वाला निकालना है, जिसको हम बोलते हैं रेंज। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग रेंज। तो रेंज निकालना है, तो आर का फॉर्मूला दिखाया हुआ है, यू और गुना टाइम ऑफ फ्लाइट। यू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 4.5, तो 45 दूनी 90, मैंने कितना, तो 90 मीटर। कितना होगा? 90 मीटर। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं, 90 मीटर। इसके बाद इसी में और क्वेश्चन है, द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगा ये बॉल। मैंने बॉल जब, मैंने जस्ट टकराने से पहले, बॉल अभी टकराया नहीं, जस्ट टकराने से पहले इसका रफ्तार क्या होगा। तो ये रफ्तार हम बताए थे निकालने का तरीका, क्या था फॉर्मूला, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, कहीं पर भी निकालना है तो रूट ओवर 2gh, रूट ओवर 2gh, ऐसा हम लोग बोले थे। तो रूट ओवर 2g का मान कितना है? 4.9, और h कितना हुआ? तो 100, h कितना हुआ? तो 100, तो कितना हो गया? 49। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगा रूट ओवर
टू जी एच, और एक्स डायरेक्शन का भी तो स्पीड होगा ना, एक्स डायरेक्शन का भी स्पीड होगा, यहाँ पर स्पीड है 20, तो यहाँ पर एक्स में तरफ स्पीड कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और बाई की तरफ स्पीड तो हम लोग निकाल ही लेंगे जिस तरीका से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एच नीचे आया है, एच हाइट नीचे आया है, तो रूट ओवर टू जी एच हम लोग को लगाना है, तो बाकी कर देंगे हम लोग कैलकुलेशन को। मान लेते हैं कि ये क्या कर दिए हैं, 4.9 नहीं 9.8 लिखना था, यहाँ पर गलती से लिखा गया, रूट ओवर टू जी को 9.8, 9.8 से अच्छा हमको लग रहा है 10 ही लिख देते हैं, और एच कितना है 100, तो ऐसा करते हैं कि 10 और रूट ओवर हो जाएगा 20, 10 हो जाएगा, 100 को बाहर निकाले 10 और रूट ओवर 20, इतना मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी है कहाँ, इतना वेलोसिटी है नीचे, 10 रूट ओवर 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है नीचे। बॉल का एक्स की तरफ रफ्तार है 20 और बॉल का बाई की तरफ रफ्तार है 10 रूट ओवर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये होगा नेट वेलोसिटी, ये होगा नेट वेलोसिटी, तो होगा कितना रूट ओवर, ठीक है ना, ऐसे हम लोग वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी को हम लोग, दिख रहा है ना आप लोगों को, चलो ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इधर क्या लिखेंगे 20 आई कैप, नीचे क्या लिखेंगे माइनस 10 रूट ओवर 20, ठीक है ना, जे कैप, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको मैग्नीट्यूड निकाल देना है, रूट ओवर 20 का स्क्वायर 400 प्लस इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और मतलब 20 100 हो जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू रूट ओवर कितना हो जाएगा लगभग, मैंने कितना 2400 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बाकी इसको सॉल्व करना है, 2400 का रूट ओवर, 2400 का रूट ओवर क्या होगा लगभग, अगर 2500 होता, अगर ये 2500 होता तो क्या लिखते हैं हम, 50 लिखते हैं, अगर ये 2500 होता तो क्या लिखते हैं, 50 लिखते हैं, तो रूट ओवर 2400 है, तो लगभग 85 ही होगा या 4 पॉइंट कुछ आसपास होगा, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं आंसर, बाकी आंसर में क्या दे रहा है, आंसर में दे रहा है 32 का आंसर में दे रहा है 49 मीटर पर सेकेंड, तो 49 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं हम लोग, 49 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, रूट ओवर 2400 को ऐसे ही पता लग रहा है कि कर सकते हैं, ठीक है ना। 48.9 आ रहा है एकदम एक्यूरेट, 48.9 मतलब 49 लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 49 मीटर पर सेकेंड। इसमें और कुछ पूछ रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दिए हम, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए मतलब स्पीड है, डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन के लिए इस वेक्टर को हम यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करते हैं, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला लगाएंगे टैन थीटा, ये थीटा निकाल देंगे, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 20 बटा बेस कितना है 10 रूट ओवर 20, ठीक है ना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो टैन थीटा इक्वल टू 2 और बटा रूट ओवर 20, ये क्या आ गया है, ठीक है ना, देखते हैं 32 नंबर आंसर देता है थीटा इक्वल टू 66 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। हम तो वर्टिकल से निकाले हैं, हम क्या चीज़ से निकाल रहे हैं, वर्टिकल से, ठीक है ना, हालांकि एक रेट निकाल नहीं पाएगा, मतलब टेन छियासठ का वैल्यू हमको पता भी नहीं कि 10 66 का वैल्यू क्या होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 बटा रूट ओवर 20, इतना डिग्री वर्टिकल से, इतना डिग्री विथ वर्टिकल से, इतना डिग्री हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकते हैं,
ठीक है ना। तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल से निकालते हैं इस वेक्टर को ऐसे कर दें, ठीक है ना, इस वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल निकालना है थीटा, तो फिर हम लोग लगाएंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा टेन रूट ओवर ट्वेंटी बटा बेस कौन सा हो जाएगा बीस, ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू रूट ओवर बीस बटा टू, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर बीस बटा टू, ये वर्टिकल से एंगल है। यही निकाल के छोड़ देना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि टेन छियासठ का मान हमको पता नहीं है, अब उतना फिर कैलकुलेटर यूज करने से कोई फायदा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, थीटा इक्वल टू इतना करके छोड़ देना है विथ वर्टिकल। ये क्वेश्चन नंबर 32 था, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन है। एक बॉल को फेंका जाता है कितना एंगल पर, 60 डिग्री पर, और कितना रफ्तार से, 40 मीटर पर सेकंड से। ए बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है 60 डिग्री पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच और रेंज। तो क्या दिक्कत है, एच पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, एच पूछ रहा है और आर पूछ रहा है। एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। यू कितना है, 40, 40 का स्क्वायर 1600। साइन 60 का मान क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, उसका स्क्वायर मैंने रूट थ्री और बटा टू का स्क्वायर मैंने रूट थ्री का थ्री और बटा टू का चार और गुना 2g मैंने टू और गुना 10। बिस्तिया 60 मीटर है, मैक्सिमम हाइट कितना है 60 मीटर, ये है 60 मीटर, ठीक है, ये है 60 मीटर। उसके बाद पूछ रहा है रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा और बटा जी, यू का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है ना, 2 अगुना साइन थीटा, थीटा है 7, साइन 60 का मान तो रूट 3 और बटा 2, cos 60 का मान 1/2 और गुना यहाँ पर 10, 0 0 कैंसल, 2 से 2 कैंसल और ये कैंसिल हो कितना बार में, 80 बार में, तो 80 और रूट 3 मीटर, ठीक है ना। ये रेंज कितना आ गया, ये आ गया 80 रूट 3 मीटर, ठीक है ना। आंसर को मिला लेना है, आंसर को मिला लेना है, क्वेश्चन नंबर 33, 80 रूट 3 और 60 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 33 था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालना था। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, इन ए सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट अ सेंटर ऑफ अ फील्ड। मान लेते कि यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ है, इन ए सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड, सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। ये मान लेते गोल पोस्ट है, 10 फीट ऊंचा गोल पोस्ट है, ये क्या है, गोल पोस्ट है, 10 फीट ऊंचा गोल पोस्ट है, ठीक है। ए बॉल इज इन ए सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट अ सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड,
ये डिस्टेंस कितना है 40 यार्ड, 40 माने गोल पोस्ट से 40 यार्ड के डिस्टेंस पर एक फुटबॉल रखा हुआ है। गोल पोस्ट का भी हाइट लेवल है 10 फीट, एक यार्ड में होता है 3 फीट, तो 40 × 3 माने कितना 120 फीट, 120 फीट, क्योंकि फीट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ भी फिट है तो यहाँ भी फिट में कर लिए हैं, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है फिट में 32 होता है शायद, 32 ही होता है शायद नहीं, 32 फिट पर सेकंड का स्क्वायर, 32 फिट पर सेकंड का स्क्वायर। चलिए तो 10 फीट हाई गोल पोस्ट, ए गोल इज अटेम्प्ट बाई किकिंग द फुटबॉल एट ए स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड। मैंने एक लड़का आया और इसको किक किया, किक मारा, और इसका रफ्तार क्या है 64 फीट पर सेकेंड, ठीक है, और एंगल क्या है, एंगल क्या है 45 डिग्री, एंगल क्या है 45 डिग्री, एंगल क्या है 45 डिग्री, एंगल क्या है 45 डिग्री। विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बॉल गोल पोस्ट तक पहुंच पाएगा या नहीं, ठीक है ना, ये बॉल गोल पोस्ट तक पहुंच पाएगा या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला बात कि गोल पोस्ट को टच करे, गोल पोस्ट तक बॉल पहुंच जाए, इसका मतलब कि एक्स में कम से कम कितना जाना होगा 120 फीट, इस बॉल को एक्स में कितना जाना होगा तो 120 फीट, इस बॉल को बाई में कितना जाना होगा, ठीक है ना, बाई में 10 फीट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब जब ये यहाँ से आए तो ये ऐसे करके निकल जाए, मतलब एक्स तो हो सके कि मतलब 120 फीट से भी ज़्यादा चल जाए, हो सके ये फुटबॉल का हम लोग अगर रेंज निकालेंगे तो फुटबॉल का जब रेंज निकालेंगे तो देखेंगे कि 120 से ज़्यादा अगर हो सके 150 रहे रेंज, हो सके 200 फीट रेंज आ जाए, लेकिन रेंज देखकर सिर्फ ये बात को कह देना कि ये फुटबॉल गोल पोस्ट में टच करेगा पहुंच जाएगा, ये गलत होगा, क्योंकि हो सके कि ये फुटबॉल एकदम ऐसे ऊपर 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 एकदम निकल जाए, ठीक है ना, इसको टच करे ही नहीं और ये ऊपर निकल जाए, तो हमको ये भी चेक करना होगा कि 120 फीट पे ये बॉल कहाँ पर है, कितना ऊंचाई पर है, ये सब बात हमको पता करना होगा, तब जाकर हम बोल पाएंगे कि पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन कर देते हैं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन लगा देते हैं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है 120 फीट, ठीक है, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होता है तो 0। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है तो 0 होता है, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। स्पीड, स्पीड पूछना है, पूछ रहा है, ये 64 है तो इधर क्या होगा, ये होगा 64 cos 45 डिग्री और इधर होगा 64 sin 45 डिग्री, तो cos 45 और sin 45, तो cos 45 क्या होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है ना, तो इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन होगा 64 और 1/√2, ऐसा कुछ लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, इतना फीट पर सेकंड। तो टाइम निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा। ऐसे भी एक्सेलरेशन 0 है तो क्या दिक्कत है टाइम निकालना, बहुत आसान है टाइम निकालना फिर तो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो डिस्टेंस स्पीड और टाइम हमको पता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस कितना है 120, स्पीड कितना है 64/√2 माने रूट टू पर चला जाएगा 64/√2, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना है और जो भी आएगा टाइम अपना आ जाएगा, ठीक है, इतना टाइम है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे, इतना सेकंड, जरूरत पड़ेगा सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि इतना समय में ये हम देखते हैं कितना समय में बॉल बाई में कहां पर है, इतना समय जब बीता तो बॉल बाई में कहां पर है,
मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन, टाइम कितना है 120√2 और बटा कितना 64। अच्छा इनिशियल स्पीड कितना है बाई डायरेक्शन में 64 sin 45, मतलब 64 और गुना 1/√2। एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन क्या है, ऊपर को हम लोग माने हैं पॉजिटिव तो नीचे को मान लेंगे निगेटिव, -32 ft/s². ठीक है, तो फिर s इक्वल टू t+ half t² लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन u कितना है 64√2 u और t, यू टी टी कितना है 120√2 और बटा 64 हो गया यू टी, प्लस प्लस के जगह पर माइनस करते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है, -half g मतलब 32। ठीक है, और t का स्क्वायर इतना का स्क्वायर मतलब 120√2 और बटा 64 का स्क्वायर, 64 से 64 कैंसल, √2 से √2 कैंसल, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन तो 120 में से घटाना है, ठीक है ना, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, तो क्या करना है 16 और गुना 120 गुना 120 और गुना 2 और बटा 64 और गुना 64, 16 64, ठीक है, ये दो बार में कैंसिल और फिर ये कैंसिल 60। ठीक है, बचा क्या 120 गुना 60 और बटा 64, कटने का तो अभी और कट सकता है, 16 बार में 16 64, ये 16 और इसको काट देंगे कितना बार में 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30। तो डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन 120 और माइनस 30 गुना 60 छतिया 1800 बटा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 16। इसको अपना बाकी भागा हुआ करना है और चेक कर लेना है, फिर डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शन क्या होगा 120 और माइनस, ठीक है ना, 1800 भागा 16, 112 आ रहा है, 112 पॉइंट कुछ आ रहा है, हालांकि ठीक है ना 112.5 आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन 120 में से कुछ घटा देंगे, मतलब जो आएगा 7-8 के आसपास में आएगा, तो 7-8 के आसपास में आ गया, मतलब 7.5 आएगा ना, 7.5 फीट। तो जिस समय ये फुटबॉल 120 फीट आगे बढ़ा था एक्स में, जिस समय ये फुटबॉल एक्स में कहाँ कितना गया था, जिस समय ये फुटबॉल एक्स में 120 फीट गया था उस समय बाई में 7.5 फीट गया था, इसका मतलब ये ऐसे फुटबॉल आएगा और ये ऐसे टकरा जाएगा, ये मान लेते हाइट 7.5 है, 7.5 फीट है, ठीक है ना, तो ये बॉल आएगा और ऐसे टकरा जाएगा, ठीक है ना, ये पार होकर नहीं निकलेगा, पार होकर नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, पहले रेंज निकालकर चेक कर सकते थे कि बॉल जाएगा कितना दूर तक, बॉल जाएगा कितना दूर तक, यू स्क्वायर 2 sin θ × cos θ बटा जी, यू का स्क्वायर 64 गुना 64, ठीक है ना, गुना 2 और sin 45 माने 1/√2, cos 45 भी 1/√2 और गुना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इससे कर सकते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 64 × 64 और बटा 10, तो ये पता लग जाए कि x में गया था कितना पूरा, x में गया था कितना पूरा, क्योंकि बच्चा शुरुआत में रेंज निकालता है, 64 × 64 4096 मतलब 409 फीट, 409.6 फीट ये गया है x में, 409.6 फीट गया है x में, ठीक है ना, तो x में गया है 409.6 फीट, मतलब 120 फीट से भी काफ़ी दूर तक गया है, तो हम चेक कर लिए कि 120 फीट
हम ये निकालेंगे कि 120 फीट जाने में कितना समय लगा, उतना समय में बाई में कितना गया, ठीक है ना। तो पता लग गया, इसका आंसर होगा यस, ये फुटबॉल गोल पोस्ट को टच करेगा, इसको नोट करें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया ये 34। फिर हम लोग पढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली, ए पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेयर विथ अ स्मॉल ग्लास बॉल कॉल्ड गोली। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया का जो भी विलेज है, इंडिया का गांव में हम लोग खेलते हैं गोली, एक गेम है जिसको बोलते हैं गोली, और आप लोग भी खेले होंगे गोली, छोटा छोटा मतलब कांच का रहता है, और इस प्रकार से हम लोग इसको खेलते हैं, एक गोली यहाँ पर रखते हैं, फिर दूसरा गोली को हाथ में रख लेते हैं और इस प्रकार से मारते हैं, और ये जाता है और ऐसे करके गोली से मारते हैं तो ये गोली जाकर पहला जो गोली रखा हुआ था उस पर लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि खेल जीत गए, इस प्रकार से गोली को खेलते हैं। इसमें सब बात लिखा हुआ है, सिखाया हुआ है, ए पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली, इंडियन विलेज में गेम खेला जाता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है गोली, विच इज प्ले विथ अ स्मॉल ग्लास बॉल कॉल्ड गोली, द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ सेकेंड प्लेयर। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक गोली है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट प्लेयर का गोली रखा हुआ है और यहाँ पर सेकेंड प्लेयर का गोली है, ठीक है ना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ठीक है। लिखा हुआ है पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेड विथ, ये तो हो गया, द गोली ऑफ वन प्लेयर इज, द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ सेकेंड प्लेयर, दिस सेकेंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाई कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड, थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो कहता है जो सेकेंड, ये मान लेते हैं फर्स्ट प्लेयर का गोली, ये है गोली ऑफ फर्स्ट प्लेयर, ये है गोली ऑफ फर्स्ट प्लेयर और ये है सेकेंड प्लेयर, यहाँ पर क्या करेगा ने, ये है हाँ इस प्रकार से ऐसे करके अंगूठा को यहाँ पर रख के इस प्रकार से ऐसे गोली को मारा जाता है, तो यहाँ पर अंगूठा को रख के गोली को यहाँ पर ऐसे दबा कर इस प्रकार से मारेगा, अगर गोली यहाँ से गया और इसको हिट कर दिया तो समझ लेंगे कि खेल जो सेकेंड प्लेयर है खेल को जीत गया। तो यही सिखाया गया है इतना लंबा लैंग्वेज में कि दिस सेकेंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाई कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली, यहाँ पर रख के मारना होता है, होल्डिंग द गोली बिटवीन हिज टू मिडिल फिंगर एंड मेकिंग द थ्रो, और इस प्रकार से गोली को मिडिल फिंगर में इस प्रकार से रख कर, ठीक है ना, ऐसे मारा जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली, अगर प्रोजेक्टेड गोली मतलब कि जो अभी हम फेंके हैं, जो गोली को प्रोजेक्ट किए हैं, प्रोजेक्टेड गोली सेकेंड गोली को, मैंने प्रोजेक्टेड गोली फर्स्ट गोली को अगर हिट कर दिया, जो गोली को हम फेंकें ये जाकर इसको अगर हिट कर गया, लग गया, इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली ऑफ द फर्स्ट प्लेयर, ये गोली अगर फर्स्ट प्लेयर के गोली में लग गया तो सेकेंड प्लेयर जीत जाता है, सेकेंड प्लेयर कह रहा है बीन्स, सेकेंड प्लेयर जीत गया। इफ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड इज 19.6 सेंटीमीटर, जहां से मतलब इस प्रकार से ऐसे करके हम जब गोली को फेंक रहे थे तो कुछ हाइट था ना, ये हाइट कितना था 19.6 सेंटीमीटर के हाइट पर यह गोली को फेंका जा रहा है, ये गोली ऐसे करके जाके लगेगा, ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का क्वेश्चन बन गया है, ये क्वेश्चन बना है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का, ठीक है ना, इतना हाइट से गोली को फेंका जा रहा है। इफ द प्रोजेक्ट 19.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, गोली को फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, मैंने गोली को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, ये गोली को फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इस गोली को फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, विथ हार्ट स्पीड शुड इट बी प्रोजेक्टेड सो डैट इट डायरेक्टली हिट द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कितना के स्पीड से इसको फेंकना चाहिए, जो गोली खेल रहा है फर्स्ट प्लेयर को, इस गोली फर्स्ट प्लेयर जो है उसको कितना के स्पीड से इस गोली को फेंकना चाहिए कि डायरेक्ट जाके एकदम इसको टच करे, हिट करे, तो यही स्पीड बताना है।
तो क्या बड़ा बात है, स्पीड बताना, ठीक है ना, आसान काम है, स्पीड बताना। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा इसको, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2h/g, रूट ओवर 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है रूट ओवर 2 × h। h कितना, 19.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो और हो जाएगा कितना, लगभग 0.19, ठीक है, 0.196, 0.196 बटा हो जाएगा ये 10, सही है, ये ऐसे लगभग होगा अपना, तो क्या दिक्कत है, होगा तो होगा। टाइम बाकी हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन तो होगा 196 और बटा गुना 2, और भागा हम लोग इतना करेंगे, कुछ भी करेंगे तो अपना आएगा 196 गुना 2 या 392, 392 और बटा कितना सुनना हो गया, 1, 2, 3, 4, तो टी इक्वल टू रूट ओवर कितना, 0.0392, इतना सेकंड आया है, 0.04 मान लेते हैं, टी इक्वल टू 0.04 सेकंड। तो टी इक्वल टू क्या आया, टी इक्वल टू समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है। टाइम आ गया 0.2 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, 0.2 सेकेंड आ गया है, टाइम है 0.2 सेकेंड। एसी वर्मा में कैलकुलेशन रहेगा थोड़ा, इस बॉल को यहाँ से आने में टाइम कितना लगा, 0.2 सेकेंड, तो टाइम लगा 0.2 सेकेंड, और कितना गया डिस्टेंस एक्स में, 2 मीटर, एक्स में कितना गया, 2 मीटर, तो स्पीड निकल ही जाएगा, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन निकल ही जाएगा, कितना है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम, माने 2 और बटा 0.2, माने 10 मीटर पर सेकेंड। इसको फेंकना चाहिए कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, से अगर फेंकेगा नहीं तो ये बॉल डायरेक्ट जाके इसको हिट करेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। इक्वेशन नंबर 35 है, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर है। तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड से अगर बॉल को फेंकता है तो ये डायरेक्ट इसको जाकर हिट करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 है, हम लोग सॉल्व करते हैं 36 नंबर, इसको नोट करें। थर्टी सिक्स नंबर, थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है 36 नंबर भी। फिगर शो, एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, फिर फिगर को बना देते हैं, फिगर है इसको बना देते हैं ऐसे, ऐसा कुछ है, यही ऐसा रोड है। बाकी क्वेश्चन पढ़ना है। फिगर शो 11.7 फिट, 11.7 फिट वाइड डिच, एक गड्ढा है 11.7 फिट का, मैंने गड्ढा चौड़ा है 11.7 फिट। फिगर शो 11.7 फिट वाइड डिच विथ द अप्रोच रोड्स एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ए मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो डैट इट सेफली क्रॉसेस द डिच। एक मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल चला के ऐसे आ रहा है, ऐसे चला के आ रहा है, ठीक है ना, तो कहता है विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ए मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड, कितना स्पीड से आए, मैंने एक मोटरसाइकिल को कितना स्पीड से चलाते आए, मैंने एक मोटरसाइकिल इधर से आ रहा था कितना स्पीड से आए,
ताकि यहाँ से ना डायरेक्ट मोटरसाइकिल कूदे तो एकदम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, यहाँ से मोटरसाइकिल कूदे तो डायरेक्ट एकदम यहाँ से आए। यहाँ पर स्पीड क्या रखना चाहिए, इनिशियल स्पीड यहाँ पर मोटरसाइकिल का, अगर ये मोटरसाइकिल है तो इनिशियल स्पीड मोटरसाइकिल का क्या रखना चाहिए, ठीक है ना, कि डायरेक्ट ये मोटरसाइकिल एकदम यहाँ पे आ जाए। एज्यूम डेट द लेंथ ऑफ द बाइक इज 5 फीट, बाइक का लेंथ भी है 5 फीट, बाइक का क्या है लेंथ है, बाइक का लेंथ है 5 फीट। ये अगर ऐसे कुछ मान लेते हैं बाइक है, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं कुछ बाइक है, तो बाइक का जो लेंथ है 5 फीट है, ये 5 फीट है, ठीक है, बाइक का लेंथ है 5 फीट। एंड इट लिव्स द रोड व्हेन द फ्रंट पार्ट रन्स अप। तो बाकी देखिए क्वेश्चन आसान है, मतलब कि इस बाइक को कितना रफ्तार से चलाते आए बाइक को, कि यहाँ से उछले तो डायरेक्ट एकदम गड्ढा को पार कर जाए, ठीक है ना, सेफली क्रॉस कर जाए। सेफली क्रॉस करने का मतलब है कि मोटरसाइकिल, पता है ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल को 11.7 फीट होना चाहिए रेंज, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टाइल जो ऐसे होगा, प्रोजेक्टाइल का रेंज 11.7 फीट होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल का रेंज अगर 11.7 फीट होगा तो ये मोटरसाइकिल गड्ढा में गिर जाएगा, क्योंकि ये मोटरसाइकिल यहाँ से चलना शुरू होगा, ठीक है ना, मोटरसाइकिल यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा 5 फीट उसको, क्योंकि 5 फीट मोटरसाइकिल का लेंथ है, क्योंकि मोटरसाइकिल का कुछ लेंथ भी है 5 फीट, ठीक है ना, इसलिए मोटरसाइकिल को यहाँ पर होना पड़ेगा, मोटरसाइकिल यहाँ पर होगा, ठीक है ना, मोटरसाइकिल को यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 11.7 फीट और प्लस 5 फीट, रेंज कितना होगा 11.7 फीट प्लस 5 फीट, ये रेंज है, मतलब 16.7 फीट ये रेंज होना चाहिए मोटरसाइकिल का, ठीक है ना, मोटरसाइकिल का रेंज कितना होना चाहिए 16.7 फीट, क्योंकि अगर 16.7 से अगर थोड़ा कम भी आएगा तो एक चक्का भी अगर गड्ढा में गिरा तो पूरा मोटरसाइकिल गड्ढा में गिर जाएगा, तो ये मोटरसाइकिल को कितना डिस्टेंस आगे बढ़ना है, पहले तो 11.7 फीट का गड्ढा है और 5 मीटर बाइक है, तो बाइक 5 फीट बाइक है, लेंथ बाइक का लेंथ है 5 फीट, तो 5 फीट और, तो 11.7 प्लस 5, तो बाकी क्या दिक्कत है, रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा जी, रेंज पता है 16.7 और यू निकालना है यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा है 15, ये 15 है तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये क्या होगा, ये ठीक है ना, ये 15 होगा, ये क्या होगा, ये 15 होगा, ये 15 है तो ये क्या होगा, ऐसे जब उछलेगा तो ये क्या होगा, 15 दुनी 30 साइन 30 और बटा जी, यू का स्क्वायर साइन 30 का मान 1/2 और गुना 10 इक्वल टू 16.7, तो 16.7 और गुना 20 इक्वल टू यू का स्क्वायर, तो यू इक्वल टू रूट ओवर 16.7 और गुना 20, तो यू इक्वल टू रूट ओवर, बाकी करना है कैलकुलेशन है, बताएं कैलकुलेशन रहेगा, कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना चाहिए कैलकुलेशन, बाकी गुना करके 334 और इसका रूट कर देना है, रूट ऑफ 334 18 पॉइंट कुछ आता है, देख लेते हैं सर, 18 पॉइंट कुछ आ रहा है, गड़बड़ कर दिया हम, गड़बड़ पता है क्या हो गया है, क्वेश्चन में गड़बड़ है कि सब फिट में है, ठीक है ना, यहाँ पर हम 10 लिख दिए, फिट में होगा ये जी का मान क्या होगा, फिट में होगा, यहाँ पर 10 की जगह पर फिट में होता है 32, तो 32 लिखना होगा यहाँ पर, यही गड़बड़ कर दिए हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, ठीक है ना, तो यहाँ पर 64 और यहाँ पर 64, ठीक है ना, चौंसठ गुना 16.7 1068.8, अच्छा, ऐसे फिर u इक्वल टू कितना होगा, u इक्वल टू 1068 32.6, हाँ ठीक है 32.6, मैंने 32 आ रहा है अप्रॉक्स में, तो 32 फीट पर सेकेंड, मैंने मोटरसाइकिल का स्पीड कितना होना चाहिए 32
फीट पर सेकेंड होना चाहिए मोटरसाइकिल का स्पीड, मोटरसाइकिल का स्पीड होना चाहिए 32 फीट पर सेकेंड। ये खाली गड़बड़ हो गया था, इधर बात को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर फिट है ठीक है ना, तो फिट में ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, फिट से मीटर में बदले नहीं थे, तो ये फिट था, आंसर भी हालांकि फिट ही में ही दे रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मान लिए थे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मान लिए थे, जबकि 32 होगा, फिट में होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। बाकी जो क्वेश्चन है एससी वर्मा का 36 तक हुआ है, 37 से लेके 45 तक, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन है, 37 से लेके 45 तक प्रोजेक्टाइल ही है, तो वो सारा क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी 37 तक रहने देते हैं, 37 से 45 नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।